हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम आज की डेट में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनी से रिलेटेड जिसमें आपको आने वाले सिक्स मंथ में लगभग फिफ्टी परसेंट का प्रॉफिट हो, हो सकता है ओके okay, और सबसे पहले कुछ डिस्क्लेमर है जो आपको देना चाहता हूँ कुछ भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है जो भी है ऑन द बेसिस ऑफ माइ ओन स्टडी है एज वेल एज अगर बात करें आपको कुछ भी पोजिशन बाइंग सेलिंग की लेनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी करके ही लेना है यहाँ पर आपको सीखना है एज वेल एज अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर यहाँ पर एक शेयर है वर्लफुल इक्कीस सौ पचास पे बताया था तो तेईस सौ तो पचास पे चल रहा है इक्कीस तो दिन के अंदर अंदर टेन परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इससे रिलेटेड वीडियो आपको पहले भी बताई थी दोबारा बनाई है टारगेट बताया है सैंतीस सौ के टारगेट आ रहे हैं तो इस चीज

तो सबसे पहले जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो शेयर का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड अब हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड को मैंने चूज क्यों किया है सबके पीछे एक ही रीजन होगा अच्छे रिजल्ट ओके एज वेल एज अपने um, का, अपने 52 टू वीक हाई से काफी नीचे चल रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशा तो यहां पर देखिए 83 का uh, का परसेंट यहां पर डेट है कोई इशू नहीं है मार्केट कैप भी स्मॉल कैप कंपनी है बट यहां पर कुछ चीजें जो बहुत अच्छी लग रही है सेल्स यहां यहाँ यहां पर अगर बात करें हाईएस्ट एवर सेल्स नजर आ रही है 44 करोड़ रुपीज से लेके 482 करोड़ हाईएस्ट करोड़ सेल्स है हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर यहां पर नेट प्रॉफिट uh, क्यू uh, पिछले 12 क्वार्टर में है अगर बात करें पिछले 11 साल में से

तो ये जो गेन हो गया आप देख सकते हैं लगभग लगभग 50 परसेंट के आसपास का यहाँ पर गेन हो रहा है तो इस चीज को आप देखिए बाकी यहाँ पर कुछ पैट, चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है या अगर यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर कब विध हैंडल पैटर्न शायद यहाँ पर रिवर्स रिवर से कब विध हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ से अब ये सीधा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा बहुत अच्छे आर एस आई पे यहाँ पर ये चल रहा है थर्टी सिक्स परसेंट ऑलरेडी मैं यहाँ पर बायर हूँ तो मैं बहुत पहले नाइन हंड्रेड पे भी ये शेयर बताया था तब से बाइंग कर रखी है और यहाँ पर क्वांटिटी हमने एड करिए बाकी अगर बात करें दूसरे शेयर की तो अब बात करते दूसरा शेयर जो है ये है आपका चहेता एफएल इंडिया FL India की बात करूं ओके मार्केट कैप आपको पता ही है एडवर्टाइजमेंट क्या, क्या से रिलेटेड मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कंपनी का, काम करती नजर आती है हाएस्ट एवर सेम यहाँ पर भी पिछले दो तीन क्वार्टर में रेवेन्यू आया हाइस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट Basis पे अच्छा खासा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ये सारी चीजें ओके फैसिनेट करती है इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड ऑल यहाँ पर सब कुछ अच्छा है फाइज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो ये सारी चीजें आपको अच्छा खासा इस शेयर को खरीदने के लिए कहती है तो यहाँ पर अगर बात करें दूसरा शेयर तो दूसरा शेयर है इंडिया आप देख सकते हैं अगर इसकी शेयर की बात करें तो यहाँ पर भी एक इस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यह यहाँ पर कितने परसेंट के गेन आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं इक्कीस परसेंट यहाँ पर नजर आ रहा है ये अभी इक्कीस करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इस तरीके के शेयर अम इक्के मतलब 25 से 30 परसेंट गिरे हुए हो ना तो ऐसे शेयर को उठाना है और 21 परसेंट गिर चुका है और इसी टाइम इसी यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है कभी भी ऊपर की तरफ आ जाता है थोड़ा सा और नीचे आएगा तो शायद बाय ऑन डिप्स हम करेंगे बाकी ऊपर जाता है तो अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर अगर हम देखें ये फिफ्टी डी के ऊपर ही है, हमेशा यहाँ पर जंप ले ही लेता है अभी यहाँ पर थोड़ा सा फिफ्टी से नीचे आ गया बट टू हंड्रेड तो आई डोंट थिंक सो ये आने के इतना नीचे आ जाएगा बिल्कुल नहीं लग रहा बट स्टिल अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है और अच्छे खासे आर एस आई पे ये भी मिलता हुआ नजर आ रहा है फोर्टी टू के तो इसके इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं एफ एल इंडिया दूसरा शेयर हो गया एज वेल एज अगर बात करें

इस शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए ये शेयर अगर बात करें ग्यारह परसेंट नीचे चल रहा है लगभग लगभग लग लग अगर बात करें ग्यारह परसेंट नीचे चल रहा है और ये हमेशा इसी लेवल से आसपास आके ना ऊपर की तरफ मुड़ जाता है तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो बायोन डिप्स कर लेंगे अगर यहाँ से मुड़ना होगा तो कोई इशू नहीं है हमने यहाँ पर बाइंग्स कर रखी है बट बाइंग सेलिंग की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है यहां पर जब भी बात करें फिफ्टी डीएमए के यहाँ पर जब आता है ओके यहाँ पर यह शेयर भागता हुआ नजर आता है इस तरीके के जब चार्ट पैटर्न बनते हैं तो ये शेयर ऊपर की तरफ ही चले जाते हैं और यहाँ पर कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स अगर हम यहां पर देखें तो सम फैक्ट्स के रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं

तो देख लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स तो यहाँ पर भी सेम अगर बात करें मार्केट कैप पांच हजार पांच सौ सत्रह करोड़ की मार्केट कैप है कोई प्लाइजिंग नहीं है डेट भी फोर्टी फाइव परसेंट है बट यहाँ पर बात करते हैं ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर इसके रिवेन्यू है ओके okay, यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर कंसिस्टेंसी एज वेल एज ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर सेल्स सेल्स रिवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पर नजर आती है और फिर इसके बाद बावजूद अगर शेयर यहाँ पर गिरता है

बनता हुआ नजर आ, आ रहा है यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक कप बनता है फिर ये और फिर उसके बाद जो टारगेट नजर आते हैं सत्ताईस के आसपास यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं ऊपर की तरफ जाता है बट अगर शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी यहां पर जो इसका 52 जो इसका वीक हाई है ये है यहाँ पर भी अगर बात करें तीस के लगभग गिरा गे, हुआ है और जो इस तरीके का कर भी बनता है तीस परसेंट तो ये मान लो और बाकी का यहाँ पर जो ये है ये यह, ये यहाँ पर ले लो और फिर इसके बाद बात करते हैं तो ये शेयर यहाँ पर तो दूसरा टारगेट यहाँ पर

अपनी जो ऑल टाइम हाई पे जब ये आया था ओके जब ये शेयर आया था यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप बात करें यहाँ पर जो टारगेट नजर आ रहे हैं के टारगेट नजर आ रहे हैं बट इसे रिमूव कर ओके बारह सो छिहत्तर याद रखना है यहाँ पर अगर बात करें एक यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहां पर आप देख लीजिए यहाँ पर एक एक शोल्डर बना फिर इसके बाद हेड बना और दोबारा एक शोल्डर बनना और फिर उसके बाद अच्छा खासा इसके हिसाब से बारह का पर टारगेट आ रहा था पहली बात और बट उससे पहले का अगर टारगेट की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ही जाना है एक हजार छिहत्तर तक जो कि अभी रिसेंटली था जब हमने अच्छा खासे यहाँ पर पर कितने 10-12 के रिटर्न कमाए थे दूसरा रिजल्ट दूसरा जो टारगेट आता है वो ग्यारह सौ तिरपन का है क्योंकि यहां तक तो जाना ही है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग यहाँ पर अटके हुए हैं जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया था ओके okay, तो अभी कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ जो की अगले क्वार्टर तक यहाँ पर से आगे की तरफ गुजर ही लेगा और बाकी जो बारह सौ छिहत्तर है वहां तक का टारगेट भी जो की अच्छे खासे यहाँ पर गेन नजर आते हैं अगर बात कर पर अगर हम देख लेते वो टारगेट कितने हैं सॉरी एक मिनट दीजिए तो अगर हम उस टारगेट की बात करते हैं जो रिवर्स हेड शोल्डर के थ्रू आ रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पर, तो लग लग, पर देखिए और यहाँ से और जो रिसेंट यहाँ पर है प्राइस यहाँ पर चल रहा है अभी ये शेयर इधर से अगर हम देखते हैं एक मिनट एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए तो लगभग लगभग पच्चीस परसेंट का यहाँ पर दिखा रहा है बट ये पच्चीस पे नहीं रुकेगा छह महीने के अंदर अंदर ये मुझे जो लगता है कि ये 1800 सौ उन्नीस सौ रुपए तक चला जाएगा क्योंकि इस तरीके के शेयर रुकते नहीं है इस तरीके के शेयर भाग जाते हैं तो एमटान यहाँ पर दूसरा शेयर है इसके अलावा एक और नई लिस्टिंग है ओके जो है नजारा टेक्नोलॉजी

ईयरली बेसिस पे भी बात करें यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा बीच में अच्छा खासा पहले अच्छा खासा था बट यहाँ पर कंपनी ग्रो किया तो यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा हुए बट यहाँ पर अगर बात करें नेगेटिव से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है ये सबसे अच्छी बात है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कंपनी देखिए हर साल यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड कर रही है इस वजह से यहाँ पर फिक्स एसेट यहाँ पर बढ़ते यहाँ पर देख सकते हैं काम करती हुई नजर आती है उनका जो बिजनेस है सारा यूएस यूके के बेस ही है ज्यादा पैसा वहीं से ही है सॉरी

इसे यहाँ पर से ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आ, मैं दिखा देता हूँ आपको तो यहाँ पर एक एक मिनट तो यहाँ पर देखिए एक ये कप बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक आ, आ, यहाँ पर इसका हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है और फिर जब टारगेट नजर आता है तो टारगेट देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं यहाँ तक तो इसे जाना ही जाना है दो हजार रुपए तक क्योंकि इसे इसी से यहाँ पर नीचे भी आया था और जब इस तरीके से नीचे आता है तो इस तरीके से ऊपर जाना भी बनता है इसका और जब जब ये अच्छा खासा परफॉर्म करना है, इसने शुरू कर दिया है तो देखिये ये सेम यही टारगेट नजर आ रहे हैं तो अगर मान के चलते हैं यहाँ पर इसका जो आ रहा है छह महीने में तो नहीं है तीन महीने के अंदर अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ ये टारगेट तो तीन महीने के अंदर अंदर अचीव मुझे लग रहा है पर्सनली कि पर्सनली ये अचीव हो जाएगा इतना और बाकी आगे का फिर आगे हम देखेंगे बट स्टिल अगर बात करें तो तो 20 के रिटर्न तो ये नज़र आ रहे हैं बाकी और भी अगर बात करें इसके बाद जो चार्ट पैटर्न बनेगा तो और भी अच्छे खासे रिटर्न मेरे को ढाई तीन हजार रुपए तक ये पिछले छह महीने में अगले छह महीने में जाते हुए नजर आ रहा है तो नजारा की तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक और श, एक और शेयर की यहाँ पर लोग इससे बात रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं बेहतरीन इसने रिटर्न दिए डेट फ्री कंपनी है तेजस नेटवर्क आपको पता ही है यहाँ पर पी स्कीम्स और आज भी एक न्यूज आई थी उसके बेसिस पे आ, ये शेयर थोड़ा सा ये शेयर नहीं भागा बट इसके कॉम्पिटिटर यहाँ पर भागते हुए नजर आए थे स्मॉल कैप कंपनी है बट ये कभी भी भाग सकता है यहाँ पर अगर बात करें हाइस्ट एवर रिवेन्यू हाइएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अब यहाँ पर आना शुरू हो गया नेगेटिव से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है यहाँ पर बात करें कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में चल रही है तो ये सारी चीजें यहाँ पर फैसिनेट करती है और यहाँ पर अगर बात करें विजय केडिया विजय केडिया सर ने यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर रिसेंटली क्वार्टर में लेती भी दिखाई दी है कितने 1.18 परसेंट की तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं और ये शेयर भी अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर गिर चुका है यहाँ पर आप देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक मिनट दीजिए मुझे तो लगभग 28 परसेंट यहाँ पर ऑल टाइम हाई से यहाँ पर अगर बात करें 220 से एक मतलब इतना गिर चुका है और जब इस तरीके से शेयर गिरता है ना तो इसे उठा लेना चाहिए जो मुझे लगता है पर्सनली बाकी आगे चल के ये भागेगा भी अगले क्वार्टर अगले रिजल्ट तक तो यहाँ पर ये इस तरीके के रे मतलब तीस रिटर्न तो मेरे ख्याल से दे देगा बाकी आगे इसकी जर्नी और आगे याद रखिएगा इससे रिलेटेड तो तेजस नेटवर्क हो गया इसके अलावा एक और शेयर है जिसने आज मूव देना शुरू हो गया है आपको बहुत कम प्राइस से आपको बताता आ रहा हूँ ओके शेयर का नाम है जॉनसन इटाची डीसीएचसी सी मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप है डेट इसके पास है ही नहीं और बात करें यहाँ पर ये कंपनी एसी बनाने में बहुत आगे है ओके okay, एसी इनके बहुत बिकते हैं सीट को याद रखिए है यहाँ पर भी अच्छे खासे रिजल्ट आया है पिछले कुछ क्वार्टर से अगर बात करें ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासे परफॉर्मेंस कंपनी करती आई है ओके uh, okay, यहाँ पर अच्छा खासा ही प्रॉफिट काफी नेगेटिव नहीं रही एटलीस्ट और बात करें यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छे खासे है बॉडेंगे यहाँ पर कंपनी कम करती हुई नजर आ रही है और बात करें आज की तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में काफी पुराने टाइम से है ओके अगर बात करें यहाँ पर के आसपास मैंने यहाँ पर ये शेयर लिया था उसके बाद भागा फिर गिरा फिर भागा फिर गिरा सेम एक तरीके का एक अगर बात करें एक कर्व बनाता हुआ नजर आ रहा है और जब इस तरीके कर्व बनते हैं तो सेम यहाँ पर आज के दिन की अगर बात करें यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आना शुरू हो गए और ये शेयर कभी भी भाग सकता है और अगर बात करें इसके प्रीवियस हाई की तो यहाँ तक तो इसे जाना ही है क्योंकि बार बार वो बार बार अगर बात करें इस लेवल पर आके ये शेयर

सौ रुपए जो की लगभग लग लग अच्छे खासे रिटर्न है पचास परसेंट के इसके अलावा अगर हम बात करें ये सारे शेयर मैंने ऑलरेडी एक ऊपर वीडियो बना रखी है तो इन वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा ये भी देखिए मार्केट कैप इसका सिम्फनी की बात कर रहे हैं आपको पता ही है सिम्फनी के कूलर आते हैं इससे रिलेटेड वीडियो अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी डेट की बात करें ट्वेंटी नाइन परसेंट की डेट है बट क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर हाई नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे अच्छा हाईएस्ट आइवर ये सब चीज यहाँ पर आ रही है धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है जो यहाँ पर काम आया जब आपको पता ही है पेंडेमिक की वजह से बाकी यहाँ पर सब चीज अच्छी है और सिम्फनी के भी टारगेट अगर बात करें तो कितने तेईस सौ चौबीस सौ के आसपास आई थिंक यहाँ पर टारगेट आ रहे थे इसके ये शेयर अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी ये गिरता नजर आया और सेम अगर बात करें इसने इस तरीके का कर्व बना रखा है और यहां से अभी कभी भी भागने को तैयार है अगर बात करें यहां पर इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर सॉरी uh, अगर बात करते हैं यहाँ पर कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो इसके रिजल्ट इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं लगभग लगभग कितने नजर आ रहे हैं इसके इक्कीस सौ इकतालीस रुपए के आसपास के टारगेट नजर आ रहे हैं जो कि इसका टाइम हाई है और इसके करंट प्राइस से अगर हम बात करें करंट प्राइस से कितना यहाँ पर होता हुआ नजर आता है तो करंट प्राइस से ये नजर आता है लगभग लगभग हंड्रेड तो हंड्रेड के गेन आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हंड्रेड के रिटर्न तो सिम्फनी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं बाकी मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियोस बनाई थी वीकेंड पे ही बनाई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुब्रोज से रिलेटेड ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग पर्प से यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखिए ऑटो एंसिलरी के जितने भी शेयर है सबके रिजल्ट अच्छे आए और इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए थे ओके यहाँ पर हाइस्ट लेवल सेल्स और हाइस्ट लेवल यहाँ पर आना शुरू हो गया है दोबारा से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे ना यहाँ पर तो आपको पता चले एग्जैक्टली कंपनी में क्या है जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो में भी डिस्कस करी है और यहाँ पर आपको बताया भी है कि शॉर्ट टर्म के पर्प से ये शेयर का प्राइस जो चल रहा है तीन सौ छब्बीस के आसपास चल रहा है और यहाँ पर भी कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ओके okay, जिसके टारगेट क्या नजर आ रहे हैं जो कि एटी सिक्स परसेंट सॉरी अगर बात करें 86 सिक्स परसेंट का यहाँ पर अगर कब वे हंड्रेड पैटर्न से आ रहे हैं जो कि आपको एक साल के अंदर अंदर मेरे को लगता है कि मिल जाएंगे बट अगर बात करते हैं यहाँ पर कोई कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट की तो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके जो कि कितना नजर आ रहा है जो कि 34 परसेंट का है और, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो कि इसके बिल्कुल नजदीक है जो कि कभी भी एक इसी महीने के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि आ जाएगा या अगले महीने की स्टार्टिंग में आ जाएगा तो ग्यारह परसेंट के रिटर्न यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं और बाकी नेक्स्ट क्वार्टर तक चौंतीस के भी आने हैं तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा पर भी एक हैंडल पैटर्न सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए तो और एक और शेयर बताना चाहता हूं काफी लोग इस शेयर से परेशान है जस्ट बिकॉज क्या क्योंकि ये शेयर अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद भी गिर गया बट जब अच्छे रिजल्ट देने के बाद शेयर गिरते हैं ना और फिर उसके बाद जब उठते हैं तो एक बेहतरीन चार्ट बना के उठते हैं तो उसके बाद जब रिजल्ट भागते हो तो बेहतरीन आपको रिटर्न देते हुए नजर आते हैं डेट कुछ भी नहीं है पॉलीमे पॉलीमेडिक्योर की बात कर रहा हूँ ओके नाइन 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 थाउजेंड तो, नाइन नौ नौ करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है हाइस्ट एवर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर देखिए रिजल्ट हाइस्ट एवर आए थे हाइएस्ट एवरटिंग

ओके okay, कि ये भाग क्यों नहीं रहा है जिसने ऊपर लेवल पर ले रखा है डिप्स कर सकता है और जिन जिसने आ, अगर अभी भी बाइंग करने का बहुत बेहतरीन मौका है है गिर चुका ऑलरेडी अपने हाई, हाई से और अगली जब क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो इसे यहाँ से ये ऊपर ले जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी एक कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है और जब इस तरीके के कर्व बनते हैं तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि अच्छा खासा गेन जो होता है ना अच्छा खासा गेन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और फिर जब इसके रिजल्ट आएंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेहतरीन मतलब पचास परसेंट तक का यहाँ पर अच्छा खासा गेंद छह महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी ये कुछ शेयर थे अगर बात करें हिंदुस्तान फूड्स एफल इंडिया एडीएफ फूड्स ये टायर एमटान नजारा टेक्नोलॉजी नेटवर्क तेजस नेटवर्क जैसी एच ए सी सिंपनीज वेल एज पॉलीमेड ये ग्यारह शेयर थे इनसे रिलेटेड वीडियो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब कर शेयर करें और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें सो थैंक यू सो मच गॉड प्लेस